हेलो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अ टुडेज वीडियो टूडे आई विल बी डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स और द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमारा पहले वाला वीडियो था उस वीडियो में जितने भी थियोरिकल एस्पेक्ट्स थे टाइम वैल्यू के वो हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे आई एम प्रे मच श्योर यू मस्ट हैव गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट्स सो लेट्स स्टार्ट विद अ टुडेज प्रैक्टिकल बिफोर स्टार्टिंग विद अ प्रैक्टिकल मैंने आपके सामने फॉर्मलेस दे रखे हैं सो दैट यू कैन इजरी रिवाइज मैंने ऑल दो ये सारे फॉर्मलेज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए थे

फिर अगला साल होगा उस सम पे फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा फिर तीसरे पे फिर चौथे पे फिर पांचवे पे तो इंटरेस्ट का पीरियड कितने इयर्स हो गया फाइव इयर्स तो यानी कि एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी फाइव और जबकि इनिशियल जो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं यानी कि जो हमारी पी वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कितने रुपीज हो जाएगी फोर थर्टी और जो यहाँ पे रिटर्न हमको मिल रहा है वो रिटर्न कितने का है सिक्स परसेंट का तो वी कैन इजिली कैलकुलेट दिस वैल्यू आप देख भी रहे होनी रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट है उसको हम लिखते कैसे जीरो पॉइंट जीरो सिक्स लिखा जाता है और एन क्योंकि हमारे पास कितना है फाइव इस तो हमने वो प्लेस कर दिया हमारे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस आर टू दावर एन हमने उसी के हिसाब से अपनी सारी वैल्यूज को क्या कर दिया है यहाँ पे लिख दिया है वी हैव सिंपली सॉल्व द वैल्यूज आप देख सकते हो वन पॉइंट जीरो सिक्स टू दावर फाइव आप मल्टीप्लाई करके इजिली इसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हो एंड वी गेट द आंसर एज फाइव एटी सिक्स पॉइंट वन थ्री दैट मीन्स कि अगर आज हमने फोर थर्टी एट रुपीज को इन्वेस्ट किया छह परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो पांच साल के बाद ये कितने रुपए हो जाएगा फाइव एटी सिक्स पॉइंट वन थ्री एक सिंपल सा प्रैक्टिकल था डायरेक्टली फॉर्मुला बेस पे था आई एम होपिंग कि हाँ ये पॉइंट इजली आप लोग को समझ में आ गया होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल अब अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेते हैं देखिए इस प्रैक्टिकल में कैसे क्या क्या रखा है इसमें कहा गया है अंडर अ पर्टिकुलर स्कीम ऑफ पी एन बी बी मेड फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम सिक्स मंथ्स टू एट ईयर्स यानी उन्होंने कहा उनके पास एक स्कीम चल रहा था कि जिसमें आप चाहो तो अपनी एफडी वगैरह टाइप करवा सकते हो और ये एफडी हो सकती है छह महीने से लेकर के आठ साल तक जितना आपको सहूलियत होगी जितनी आपके पास लिक्विडिटी होगी उस हिसाब से इसको रख सकते हो फिर आगे दे रखा है एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द प्रिंसिपल यहाँ पे याद रखिएगा कि पेबल रेशियो कितना आ रहा है क्वार्टरली यानी कंपाउंडिंग का पीरियड क्या है क्वार्टरली हम इस पीरियड को क्या कर रहे हैं कंपाउंड करेंगे फॉर अ पीरियड फ्रॉम ट्वेल्व टू ट्वेंटी थ्री द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिक्स परसेंट यानी क्या है? अगर आप 12 से 23 महीने के लिए डिपॉजिट करते हो तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा आपके इन्वेस्टमेंट पे वो कितना हो जाएगा 6% परसेंट का लेकिन अगर आप यही पैसा 24 महीने या उससे ज्यादा के लिए चार्ज करते हो तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8% परसेंट का नीचे पॉइंट क्या कह रखा है एन अमाउंट ऑफ वन इन्वेस्टेड फॉर टू ईर्स वट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर टू ईयर आप यहां पर रखिए आप बच्चे हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि कई सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखें अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है एन अमाउंट ऑफ वन थाउजेंड एक हजार रुपए ये आपकी क्या बन जाएगी प्रेजेंट वैल्यू हो गई सिंपल सा हम इसकी क्या करेंगे ये आपका हो गया प्रेजेंट वैल्यू पी वी वैल्यू में ऊपर ऐसे लिख देता हूं ये आपकी क्या बन गई पी वी वैल्यू अगर इसकी बात करें इन्वेस्टेड फॉर टू इयर्स तो यानी एन जो हमारा है वो कितने इयर्स का हो गया टू इयर्स का एन की वैल्यू कितने की इक्वल हो गई टू इयर्स की हो गई इसके बाद हमसे क्या कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर टू इयर्स तो दो साल की बात कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे क्या चाहिए एट परसेंट का मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न चाहिए आर की वैल्यू तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ रिटर्न एप्लीकेबल है वो कितना हो जाएगा एट परसेंट क्यों एट परसेंट होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होता है दो साल का दो साल यानी कितना हो गया ट्वेंटी फोर मंथस तो बैंक ने हमसे क्या बोला था कि अगर आप चौबीस महीना कराओ तो हम आपको कितने पैसे का इंटरेस्ट दे देंगे एट का रेट ऑफ रिटर्न आपको दे देंगे तो उस पर्सन ने क्या किया दो साल के पैसे को करा लिया अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको बता रखा है कि एंड सिर्फ पीरियड नहीं होता आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी कंपाउंडिंग वैल्यू क्या होगी तो इसी कॉन्सेप्ट को देखिए यहां पे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन में गिवेन थी तो आपने उसकी वैल्यू को डायरेक्टली एस्टिमेट कर लिया जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो तो एट है लेकिन एट साल का है और यहां पर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो क्वार्टरली हो रहा है यानी अगर हम क्वार्टरली कंप्यूट करें तो पर क्वार्टर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा तो एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं फोर तो डिवाइड बाई किससे कर देंगे फोर दैट मीन्स क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया टू परसेंट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं हमारा ड्यूरेशन कितना होगा एन कितना रखें क्या एन हमारी वैल्यू टू होगी नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि यहां पे जो पैसा हो रहा है वो कंपाउंड कब हो रहा है क्वार्टरली में पहले क्वार्टर में हमको क्या मिलेगा टू परसेंट मिलेगा यानी कि अगर हमने सौ रुपए इन्वेस्ट किए वो कितना हो जाएगा हंड्रेड एंड टू हो जाएगा एक क्वार्टर के बाद जैसे ही अगला क्वार्टर आएगा तो अब हमको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा हंड्रेड एंड टू रुपीज पे कितना हो जाएगा टू परसेंट और क्या हो जाएगा एड हो जाएगा फिर इसके बाद फिर जो परसेंट था उस पर हम जो सम आया था उस पर टू परसेंट एड होगा ऐसे करते करते आप देखते आओगे कि टू टू परसेंट करते हुए हर एक क्वार्टर में एड होता जाएगा तो कितने एक साल में भाई चार बार होगा दो साल में कितना होगा ऑब्वियसली एट टाइम्स यानी कि ये हमारी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट हो जाएगी ऑब्वियसली अब आपको सब कुछ पता चल चुका है पी की वैल्यू कितनी है एक हजार आर की वैल्यू हो जाएगी जीरो पॉइंट जीरो वैल्यू विल बी एट तो हमने सिंपल से कंप्यूट करके अपनी वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस कर दिया अपने फॉर्मलेज में फॉर्मुले में हमने इसको प्लेस कर दिया है पी की वैल्यू एक, वैलु एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हमने प्लेस किया है इन सबको कंप्यूट करने के बाद वी गेट द आंसर एज हंड्रेड एड वन थाउजेंड वन हंड्रेड से स एक हजार रुपए को अगर दो साल के लिए क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में हम इन्वेस्ट करें टू परसेंट uh, के रेट से क्वार्टरली रेट से तो वो पैसा दो साल में कितने रुपए हो जाएगा एक हजार एक सौ इकहत्तर रुपए एंड सिक्स आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल अब इसके बाद वाला प्रैक्टिकल देखिए क्या कह रहा है ये मल्टीपल कैश इन्फ्लोज का क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है कि राम इन्वेस्ट रूपीज टू थाउजेंड इन द बिगनिंग ऑफ टू थाउजेंड एटीन then then at at the 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 beginning beginning of 2020. If the rate of of If rate interest 12%, how how much much will these accumulate, uh, how much these flows accumulate, यानी the अगर उसने 2018 की शुरुआत में पैसा इन्वेस्ट किया फिर 2019 में पैसा इन्वेस्ट कर दिया स्टार्टिंग में फिर 2020 की स्टार्टिंग में कर दिया तो 2020 की बीस की एंड में यानी की December तक वो पैसा कितना हो जाएगा ये एस्टिमेट करना चाह रहे हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया ट्वेल्व परसेंट तो यहां पे डायरेक्टली आर की वैल्यू हो जाएगी ट्वेल्व परसेंट जिसे आप लिखना चाहो तो ऐसे कंप्यूट करके लिख सकते हो अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कैश इनफ्लोस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्व करने का इसका तरीका क्या होता है कि अगर आप एक 2018 में जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी फ्यूचर इनफ्लो अलग से निकाल लीजिएगा फिर 2019 की अलग से और 2020 की अलग से तो आपको क्या कर लोगे आसानी से कैलकुलेट कर लोगे ध्यान से समझिएगा कि जो 2018 में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वो थे दो हजार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ट्वेल्व वो सब तो सेम है अब आपको सिर्फ एंड पे ध्यान देना है क्योंकि दो की स्टार्टिंग में रखा गया तो दो का पूरा साल एक साल ही हो गया फिर दो और क्योंकि 2020 के एंड में पूछा गया है यानी पूरे पूरे कितने साल हो तीन साल हो गए तो कौन सा 2018 हजार एक साल 2019 हजार दो साल और 2020 कितने हो गए तीन साल तो यानी कि एन हमारा कितने हो गया थ्री अगर हमने कंप्यूट किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये कैलकुलेट करके आ गई है उसी तरह का दो की स्टार्टिंग में उसने पांच इन्वेस्ट कर दिया सेम रेट ऑफ रिटर्न के साथ में तो उन्नीस पूरे साल पैसा इन्वेस्टेड रहा फिर 20 में भी पूरे साल पैसा इन्वेस्टेड रहा यानी कितना हो गया पावर टू हो गई यानी कि एन की वैल्यू कितनी रखी जाएगी टू उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी आ गई सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी टू इसी तरह हम टू थाउजेंड ट्वेंटी पे भी अप्लाई कर देंगे आपने अठारह का जैसे निकाला वैसे उन्नीस का और वैसे हम किसका निकाल लेंगे बीस का इसको कंपाउंड करने पर हमें छह हजार की जो फ्यूचर वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज जब इन सारी फ्यूचर वैल्यूज यानी कि सिक्स सेवन टू जीरो सिक्स टू सेवन टू और टू एट जीरो नाइन पॉइंट एट सिक्स इन सबको ऐड कर देंगे वे कैन डेफिनेटली गेट द एक्यूमेटेड सम दैट वुड बी रिसीव्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ आफ्टर एट द एंड ऑफ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी ये पॉइंट था आपके पास देख सकते हो कि यार टोटल सम कितना मिलेगा फिफ्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड वन रुपीज पॉइंट पैसा अप्रॉक्सिमेशन करना चाहो तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो आई एम होपिंग दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन आपको साथ में मैंने आज जो कुछ प्रैक्टिकल स्टडी किए थे वो सारे सारे क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू पे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन कुछ आपके साथ में और डिस्कस करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स